भेड़ियों ने बकरियों के हक में जुलूस निकाला कि बकरियों को आजादी दो, इनके हकूक मारे जा रहे हैं, इन्हें घरों में कैद करके रखा गया है। एक बकरी ने जब बात सुनी तो उसने जाकर सारी बकरियों को कहा, देखो हमारे हक में आवाज बुलंद की जा रही है, हमारे बारे में जुलूस निकाले जा रहे हैं, चलो हम भी निकलते हैं और अपने हक की आवाज उठाते हैं। एक बूढ़ी बकरी बोली, होश के नाखून लो, ये भेड़िए हमारे दुश्मन हैं, इनकी बातों में मत आओ। मगर नौजवान बकरियों ने उसकी बात न मानी, उसने कहा ये हमारा जमाना है, आपका दौर और था, ये दौरे जदीद है, यहाँ कोई किसी का हक नहीं छीन सकता, ये भेड़िए हमारे दुश्मन कैसे हो सकते हैं, ये तो हमारे हकूक की बात कर रहे हैं। बूढ़ी बकरी ये बात सुनकर बोली, बेटा ये तुम्हें बर्बाद करना चाहते हैं, अभी तुम लोग महफूज हो, अगर इनकी बातों में आ गए तो तुम्हें चीड़ फाड़ देंगे। बूढ़ी बकरी की बात सुनकर जवान बकरी गुस्से में आ गई और कहने लगी, अम्मा तुम बूढ़ी हो गई हो, अब हमें हमारी जिंदगी जीने दो, तुम्हें क्या पता, बाहर खूबसूरत खेत है, हरे हरे बाग हैं, हर तरफ हरियाली ही हरियाली है, कितनी खुशियां होंगी, अब हम मजीद कैद बर्दाश्त नहीं कर सकते। ये कहकर उस बकरी ने आजादी के नारे लगाना शुरू कर दिए और भूख हड़ताल कर दी। रेवड़ के मालिक ने जब ये हालत देखी तो उसने तमाम बकरियों को आजाद कर दिया। बकरियां बहुत खुश हुई, नारे लगाती, छलांगे लगाती, बाहर आ गई। मगर ये क्या हुआ, भेड़ियों ने तो उन पर हमला कर दिया, मासूम बकरियों को चीड़ फाड़ दिया। आजादी नस्वा की बात करने वाले दर हकीकत खवातीन तक पहुंचना चाह रही हैं। इन्हें खवातीन के हकूक की नहीं, अपनी गलीज प्यास बुझाने की फिक्र है। That's one minute, see you tomorrow.